मौली, तुम सुप्रभाजी के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जानकी माँ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, जानकी माँ, आपने करण जी की फैमिली को बुलाने का आइडिया दे दिया है। कब मिला? कहाँ मिला? मुझे क्यों नहीं मिला? मौली को मिला तो उसी से पूछ दो। ओके। स्वास्तिक पत्रिका सबसे पहले लड़के वाले के यहां दी जाती है। बस वही देने आए हैं। पत्रिका के नाम पर फजीहत करने आए हैं आप दोनों? कार्ड काफी सुंदर है, लाके देने के लिए धन्यवाद। तो आप लोग आएंगे ना? जी नहीं, जो हुआ है उसके बाद आने का सोच भी नहीं सकते हम। अगर ये बात कानपुर से होकर आपके दिमाग गंज में घुस गई हो ना, तो अपने कुटुंब की तरफ प्रस्थान कीजिए महोदय। चलिए जाइए यहाँ से, जाइए। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। तुम्हारा नमस्कार गया नरक में। पहले हमको ये बताओ कि बारी बारी से क्यों आ रही हो यहाँ पर? ये कौन सी व्यवहार वाली बात है आंटी? वो जानकी माँ ने कार्ड के साथ साथ शगुन भी भेजा था। वही लेकर आए? करण जी कहते हैं कि भगवान ने उनसे उनके माँ बाप तो छीन लिए, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार करने वाले भैया भाभी दे दिए। अंकल, बड़े भाई होकर पिता का प्यार देना सबके बस की बात नहीं है। और आंटी, आपने तो भाभी देवर का रिश्ता माँ बेटे का रिश्ता बना दिया था। सब जानते हैं कि आप विक्की से कितना प्यार करती हैं। उसी प्यार का सबसे बड़ा हिस्सा आपने करण जी को दिया है। वो हिस्सा आज भी करण जी के दिल में धड़क रहा है आंटी। आप दोनों के अलावा उनकी लाइफ में और कोई नहीं। आप दोनों ने उनको एक बेटे की तरह पाला है। प्लीज अंकल आंटी, शादी में माँ बाप बनकर आशीर्वाद भी देने आइएगा। वाह मौली, मिठाई सिर्फ तुम्हारी लाई हुई टोकरी में नहीं रखी है, बल्कि तुम्हारी जबान बराबर चाशनी से लिपटी हुई है। पर हमारे कदम तुम्हारी जबान पर नहीं फिसलेंगे, नहीं आएंगे हम, समझी? करण जी के लिए भी नहीं। नहीं, देखिए, एक बार पराए दुश्मन को गले लगा लीजिए, पर अपनों की हुई नमक हरामी भूलनी नहीं चाहिए। करण से कह देना मर गए उसके भैया भाभी। और तुम अब जो घर का पता जान गई हो, तो हर बार मुंह खाकर मत चली आओ। और क्या लोगी हमारी जिंदगी से जाने का तुम? बस एक क्रिकेट मैच। क्रिकेट?
मतलब बैट और बाल? हाँ आंटी, ना आपकी ना हमारी, क्या होना चाहिए क्या नहीं एक क्रिकेट मैच से तय करते हैं ना। देखिए, अगर आपकी टीम जीती तो हम लोग आपको शादी में आने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारी टीम जीती तो आपको शादी में आके सारी रस्में निभानी होगी। बोलिए, मंजूर है? हमें मंजूर है। ठीक है, जब हमारे पति ने हामी भर दी है तो हम इनकी बात टालेंगे नहीं, पर हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? देखिए, अगर ये मैच आप लोग हारे तो हम करण और मनीषा का चेहरा दोबारा नहीं देखेंगे। हमारे लिए ये संबंध हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, पर हम ये मान लेंगे कि वो हम लोगों के लिए मर गए हैं। क्यों बोलो, है मंजूर? मंजूर है। क्या बचपना करके आ गई? क्या अब क्या घर में बारात लाने के लिए हमें क्रिकेट खेलना होगा? ए मौली बेटा, तू ये क्या शर्त रख के आ गई? राजू, तू क्या प्रदर्शनी देखने गया था? अरे रोका क्यों नहीं इसे? हद हो गई तुम्हारी। अरे अगर वो बचपना कर रही थी तो तुम्हें टोकना चाहिए था ना, शादी की रस्में छोड़ के बैट बॉल घुमाने लग गए। और जे तुम ये जो शरत वरत लगा करके आ गए हो ना मैच की, अगर जे तुम हार गए तो सुप्रभा भाजी करण जी और मनीषा की शक्ल तक नहीं देखेंगी। जे सब तुम लोगों ने नहीं किया होता ना तो एक उम्मीद थी कि शायद उनका गुस्सा एक दिन ठंडा हो जाए और हम सब एक हो जाए। अब तो कोई भी उम्मीद नहीं बची है, और जहां तक हम सुप्रभा भाजी को जानते हैं ना, वो थूक करके चाटों वालों में से नहीं है। माँ, आप सब लोग क्रिकेट के नाम पे मौली पे भड़क रहे हैं, पर मौली की इंटेंशंस कोई नहीं देख रहा है। अच्छा तो ठीक है, अब तुम ही प्रकाश डालो इस बात पर। माँ, अगर मौली ये क्रिकेट मैच की शर्त नहीं रखती ना तो वो लोग पक्का नहीं आते शादी में। अब कम से कम 50% चांस तो है कि वो लोग शादी में शायद आ जाए। अरे ये सब तुम लोगों के ख्याली पुलाव है। अरे बेटा ये बताओ कि ये जो सुप्रभा है ये कोई क्रिकेट की अच्छी खिलाड़ी है क्या? मतलब इसे खेलना आता है? बैट्समैन है या बॉलर? पक्का बॉलर, हर बात पे गुगली फेंकती है। नहीं नहीं, मुझे तो ना वो ऑलराउंडर लगती है। अरे क्या बोल रहे हैं आप लोग, सुप्रभा जी ने तो सिर्फ मैच की शर्त के लिए हाँ बोला है, क्रिकेट के महारथी तो उनके पति देव हैं। महारथी? फिर भी तुम शर्त मान के आ गए? बड़े पापा, हम कोई महारथी तो है नहीं, लेकिन अपनी बहन की खुशी के लिए हम लोग जान लगा देंगे। अब मौली ने हम पे भरोसा करके ये बेड़ा उठाया है तो मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। मैं इसमें मौली का साथ दूंगा, क्या आप सब लोग भी हमारे साथ हैं? फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.